My dear children, today we learn about a complex sentence. Today's topic is study of complex sentence. In a complex sentence, there is a principal clause and another is a subordinate clause. Subordinate clause of three kinds. Number one, noun clause. Number two, adjective clause. Number three, adverb clause. बच्चों, आज हम complex sentence का अध्ययन कर रहे हैं. Complex sentence में एक principal clause होती है और दूसरी सबॉर्डिनेट क्लास होती है. सबॉर्डिनेट क्लास सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से बनती है और सबॉर्डिनेट क्लास तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास. नाउ नाउन क्लास, नाउन क्लास दैट, व्हाट, टू व्हाट आदि कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है. In noun class, that, what, to what, etc. conjunctions are used in noun class. For example, it is certain that he is a thief. That subordinating conjunction है, जो noun को denote करता है. Second, pay attention to what I am saying. To what? Noun clause का conjunction है, subordinate conjunction है. It is known to me what you have done. इसमें what conjunction है. बच्चों, इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है. दैट ही इज ए थीफ इज सर्टेन. तो अब हिंदी के माध्यम से दैट, व्हाट और टू व्हाट आदि कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है नाउन क्लास में और इनका अर्थ भी स्पष्ट है. इट इज सर्टेन दैट ही इज ए थीफ. ये निश्चित है कि वह चोर है. की शब्द आया यहां पर दैट कंजंक्शन है. पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान दो जो कुछ मैं कह रहा हूं. टू व्हाट, इट इज नोन टू मी व्हाट यू हैव डन, जो कुछ तुमने किया है मुझे ज्ञात है. दैट ही इज अ थीफ इज सर्टेन, कि वह एक चोर है यह निश्चित है. बच्चों, इस प्रकार से यह नाउन क्लास को पहचानना आसान है. हिंदी में कि जो कुछ, जो, ऐसे शब्द आते हैं. इंग्लिश में दैट, टू व्हाट, व्हाट ये कंजंक्शंस प्रयोग किए जाते हैं. अब एडजेक्टिव क्लास, तो सेकेंड एडजेक्टिव क्लास. एडजेक्टिव क्लास हु, होम, हुज, विच, when, where, why, how, whenever, however, howsoever, wherever, etc. conjunctions are used in adjective clause. For example, this is the man who stole my pen. Sorry, this is the man who stole my horse. Second, I know when the peon rings the bell. This is the hospital where I was born. This is the boy whom the teacher beat. बच्चों, adjective clause जो है वो following conjunction से बनती है. Why, who? Conjunction में इसका अर्थ जो who means कौन होता है उसकी जगह पर जो हो जाता है. Whom जिसको, whose जिसका, which जो किया जिसका, when कब, where जहां, why
कैसे का जैसे, हाउ कैसे का जैसे, वैन ईवर जब कभी, हाउ ईवर जैसे भी, हाउस ईवर जहाँ कहीं, वैन ईवर जहाँ कहीं भी, ईटीसी ये जो कंजंक्शंस हैं इनका अर्थ बदल जाता है इस तरीके से। और इसीलिए एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु स्टोल माय हॉर्स, ये वही आदमी है जिसने मेरा घोड़ा चुराया, तो हु का अर्थ जिसने हो गया। आई नो व्हेन द प्योर रिंग्स द बेल, मुझे मालूम है जब चपरासी घंटी बजाता है। दिस इज द हॉस्पिटल वेयर आई वॉज बॉर्न, ये वही अस्पताल है जहां मैं पैदा हुआ था, वेयर का अर्थ जहां। दिस इज द बॉय हुम द टीचर बीट, ये वही लड़का जिसको अध्यापक ने पीटा। तो हिंदी माध्यम से समझने वाले बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। और द थर्ड एडवर्ब क्लास, बिकॉज आल्दो दो इफ वेदर लेस्ट एज सून एज नो सूनर डॉट डॉट देन टिल अंटिल अनलेस सिंस आफ्टर बिफोर व्हाइल वैंस देन ईटीसी कंजंक्शंस आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल स्टे हियर टिल आई रिटर्न, द सेकेंड अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, आल्दो गोपाल वर्कड हार्ड ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। बच्चों एडवर्ब क्लास जो है वो बिकॉज आल्दो दो इफ वेदर लेस्ट एज सून एज नो सूनर डॉट डॉट देन टिल अंटिल अनलेस सिंस आफ्टर बिफोर व्हाइल वैंस देन ईटीसी, इन कंजंक्शन से बनती है। और इनका अर्थ होता बिकॉज, क्योंकि, आल्दो यद्यपि, दो यद्यपि, इफ यदि, वेदर ईद लेस्ट ऐसा ना हो, जैसे ज्यो ही, और तक अंटिल, अंटिल और अनलेस जिस सेंटेंस से पहले आते हैं उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, सेकेंड सेंटेंस में होता है, सिंस आफ्टर बिफोर व्हाइल वैंस देन ईटीसी कंजंक्शंस आर यूज्ड इन एडवर्ब क्लास। ये एडवर्ब क्लास में ये सारे कंजंक्शन प्रयोग किए जाते हैं। तो एग्जांपल है स्टे हियर टिल आई रिटर्न, मेरे आने तक यहीं ठहरना, टिल तक, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास। देखो बच्चों ये अनलेस यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस ऐसे गलत हो जाता अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये गलत होगा। अनलेस और अंटिल निगेटिव होते हैं इसलिए इनके साथ नॉट नहीं आता, दूसरा सेंटेंस जो है वो निगेटिव बन जाता है। तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। आल्दो गोपाल वर्क हार्ड ही डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, यद्यपि गोपाल ने कठिन परिश्रम किया फिर भी उसे अच्छे अंक नहीं प्राप्त हुए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स आई टॉट यू टुडे द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वंस अगेन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर इज ए प्रिंसिपल क्लास, अनदर इज ए सबॉर्डिनेट क्लास। सबॉर्डिनेट क्लास is formed with the subordinating conjunctions and subordinate class is three kinds, noun class, adjective class, adverb class. Noun class, the following conjunctions are used as that, what, to what. Adjective class, in which the following conjunctions are used, who, whom, whose, which, when, where, how, why, etc. In adverb class, the following conjunctions are used, because, although, though, if, whether, last, as soon as, no sooner, data, then, till, until, unless, since, after, before, while, etc. conjunctions are used. So, I think there is no problem to understand what is a complex sentence, what is a noun class, what is an adjective class, what is an adverb class. If you have any problem, you can comment and I shall answer you. Please subscribe the channel.